the license to join the celebrations with pride for promoting our national language. Today's assembly will be conducted in Hindi. We request the active cooperation of all our dear students. Welcome to Hindi Divas. Thank you. हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं आजादी मिलने के दो वर्ष बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति से बहुत से कष्ट और दुखों को नाश करती है। आइए प्रार्थना गीत गाते हैं। साहित्य कांच के सूर है।
सूरदास जी का किरदार निभाने आए हैं छठवां कक्षा के ईसा शाह जी और उनके दोहा आठवीं कक्षा के निधिन सुनाने जा रहे हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुवाए, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुवाए, तो काहे नहीं बेगही मावे तो को बोलावे, तो काहे नहीं बेगही मावे तो को कान बोलावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुवावे। गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास का किरदार निभाने आए हैं पांचवी कक्षा के देवदत्तन और उनके दोहे आठवीं कक्षा के मनोज सुनाने जा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। जन के भीर हरि तुम हरो, जन के भीर द्रौपदी की लाज राखे, द्रौपदी की लाज राखे तुम बढ़ायो चीर। हरि 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 तुम हरो, जन के भीर हरि तुम हरो, जन के। समाज सुधारक और युग निर्माता कबीर दास हिंदी काव्य जगत में सदैव सादर स्मरण किए जाएंगे। कबीर दास जी का किरदार निभाने आए हैं छठवां कक्षा के दर्शन देव और उनके दोहे बारहवीं कक्षा के निरंजन सुनाने जा रहे हैं। गुरु गोविंद तो कदी काके न गोपाए, गुरु गोविंद दो कदे काके न गोपाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग उत्तर करेंगे? हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। हमारे देश में कितने राज्य हैं? राज्य, राज्य का मतलब है स्टेट। 28। कितने हैं? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। हमारे देश में, हमारे भारत में 28 राज्य होते हैं। और देखिए बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? हमारे राज्य का नाम केरल है। देखिए बच्चों, हमारी मातृभाषा क्या है? क्या है हमारी मातृभाषा? मलयालम है ना। और तमिलनाडु के? कश्मीर के? कश्मीरी। महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ही कहा कि हमारे भारत में कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों? एक भाषा की जरूरत है ना हमें कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, अच्छा, तो आप सभी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है। क्या अंग्रेजी, हम अंग्रेजी का मतलब है, क्या है अंग्रेजी का मतलब? इंग्लिश। वेरी गुड। देखो,
अंग्रेजी विदेशी भाषा है ना, विदेशी भाषा है, तो इसलिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की जरूरत है ना, जरूरत है ना। जरूरत का मतलब क्या है, जरूरत नीड। ओके, हाँ, हमें अपनी भाषा की जरूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और क्यों हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा के रूप में हमने अपनाया है, क्या आपको पता है यह? क्योंकि हिंदी भारत के अधिकांश राज्यों की भाषा है, अधिकांश जनता हिंदी जानते हैं, समझ गए। भारत के अधिकांश जनता कौन सी भाषा जानते हैं, हिंदी। दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। सो हमें अपनी भाषा चाहिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं तो केरल के लोग कश्मीर के लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। मलयालम बोलते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं, है ना। तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूँ। जय हिंद। आइए भारत के विविध प्रदेशों का सफर करते हैं और दर्शना द्वारा एक मधुर गीत सुनते हैं। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। जा सकते